मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चंडीगढ़ के पहुंचे जिथे उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के 100 साल पूरे होने के संबंध में रखे गए एक समागम में शिरकत की। वायु सेना के खास जहाज तो तड़के तकरीबन 11 बजे पहुंचे जिथे उन्होंने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय समेत कई होर व्यक्तियों ने उन्होंने स्वागत किया। इस तो बाद पंजाब राजभवन पहुंचे तो राष्ट्रपति शाम को तकरीबन 4:30 बजे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज दे विच करवाए जा रहे समागम विच पहुंची। उत्थे उन्होंने सैनेटरी हॉल का उद्घाटन भी किया। इस समागम दे विच उन्होंने नाल हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल अते चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित अते उन्होंने सलाहकार धर्मपाल भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने समागम दौरान कहा कि सिक्ख्या के खेत्र दे विच पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने कई कीर्तिमान स्थापित किए ने ते इथों निकले विद्यार्थियों ने पूरी दुनिया दे विच देश दा नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज दे विचों कई विद्यार्थी अजिहे निकले ने जिन्होंने कौमांतरी पद्धर ते देश दा नाम रोशन किया है ते इसरो दे साबका निदेशक प्रोफेसर तावन भारत की पहली औरत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला ते हासरस कलाकार जसपाल भट्टी समेत कई अजिहे नाम इस लिस्ट विच शामिल ने। तुहानू दस दिए कि राष्ट्रपति दे चंडीगढ़ आउण दे मद्देनजर शहर दे विच सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दिती गई सी ते पुलिस दे 1200 तो ज़्यादा जवान भी तैनात किए गए सी ते राष्ट्रपति दी सुरक्षा व्यवस्था नू वेखदे होए कई रूटां नू भी डाइवर्ट किया गया सी। जगबाणी टीवी लई चंडीगढ़ तों भगवत सिंह दी रिपोर्ट।